जहरीली शराब मामले पर बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर हंगामा हुआ। मृतकों के परिजनों के लिए विपक्ष ने मुआवजे की मांग की है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, शराब से मौत मामले को लेकर बीजेपी ने इस मसले को विधानसभा के अंदर उठाया और ये कहा कि मुआवजा मिलना चाहिए। नीतीश गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया है कि जो जहरीली शराब पीकर जिन लोगों की मौत हो रही है उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लोग मर गए, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है, पुलिस घर घर जाकर लोगों को धमकी दे रही है कि पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे, तो लोग डर के मारे दूसरे घाटों पर जाकर अपने शवों को जला रहे हैं। तो आपने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग मरने के लिए बाध्य हो रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, आपके यहाँ शराबबंदी है, पीने का जुर्म है, सजा है, कुछ पेनल्टी लगेगी, कुछ दिन जेल जाएगा, लेकिन मरना ये उसका प्रावधान नहीं है। स्कूली बच्चों के लिए की गई गाड़ी की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में तेंदुआ रहायशी इलाकों में घूमता हुआ नजर आया। सीसीटीवी में घूमता हुआ तेंदुआ देख दहशत में लोग। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के दूसरे फेज का तेजी से चल रहा काम, जिसके लिए मंदिर परिसर के आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। दिसंबर के महीने में मुंबई बना सबसे गर्म शहर, मुंबई का तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में तूफान ने मचाई तबाही, तूफान की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी। यूक्रेन के क्यू में क्रिसमस से पहले दिखा लोगों का उत्साह, क्रिसमस ट्री के लिए साइकिल चलाकर बिजली बना रहे। युद्ध के बीच रूस में देखी क्रिसमस की तैयारी, सड़कों पर टैंक पर घूमता नजर आया सेंटा क्लॉज। क्यू में हॉलीडे ट्री रोशनी से जगमगाया, खिलौनों और लाइन से सजाया गया ट्री, सबसे ऊपर यूक्रेन का त्रिशूल लगा। लंदन में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, क्रिसमस की सजावट का सामान जलकर खाक हुआ, आग से झुलसने से दो लोग जख्मी हुए। रूस ने क्यू पर जोरदार हमला बोला तो अब यूक्रेन ने भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया। यूक्रेन एक के बाद एक मिसाइल दागता जा रहा है, जिसके साथ ही हाइमर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। खेरसौन में एक बार फिर रूस ने बड़ा हमला कर दिया, रूस के हमले में एक की मौत हो गई है। डॉनेट्स्क में तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसमें हमले की वजह से पूरा इलाका खाली हो गया है, तो वहीं इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। आज फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच होगी टक्कर। चीन के साथ एलएसी विवाद के बीच मेघालय के शिलांग पहुंचे पीएम मोदी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में हुए शामिल। ईस्ट काउंसिल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चीन को बड़ा संदेश दिया है, कहा डंके की चोट पर बॉर्डर पर सड़क और नई टनल का हो रहा है निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा देश में निर्मित युद्धपोत, आधुनिक रडार और गाइडेड मिसाइल से लैस आईएनएस मोरमुगाओ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने 37वें भारतीय पर्यटन सम्मेलन में की शिरकत, कार्यक्रम में योगी ने कहा यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाएं, देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बना यूपी।